किसकी बात कर लेते हैं भाई, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है भाई लोग, इस बात का मीनिंग ये है कि एनर्जी की हमें यूनिट चाहिए। कौन सी वाली? कॉमर्शियल वाली। कॉमर्शियल वाली मतलब क्या, जो हम फैक्ट्री में यूज करते हैं या हम अपने घरों में एनर्जी यूज करते हैं, उस वाली यूनिट, उस एनर्जी की यूनिट निकालेंगे। तो इसलिए इसे बोला कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोला मेरे भाई? कॉमर्शियल। वैसे तो यूनिट एनर्जी क्या होती है मेरे भाई? जूल। सबको पता है क्या होती है? जूल। पर दिक्कत क्या है कि जूल जो एनर्जी की यूनिट होती है, इससे यूज करना बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है। इनकन्वीनियंट हो जाता है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब हम कॉमर्शियल पर्पज से देखते हैं एनर्जी को, कॉमर्शियल पर्पज से देखने का मतलब है हमें एनर्जी को खरीदना है, या एनर्जी यूज करने के लिए हमें किसी को कुछ अमाउंट पे करना है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम अपने घरों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और इस एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से हम मंथली बिल पे करते हैं। हम मंथली बिल पे करते हैं कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब भी आप एनर्जी लेने के बदले में कुछ अमाउंट दे रहे हो, तो क्या होता है कि जो ये जूल होता है ना, इसको यूज करना बड़ा इनकन्वीनियंट है। बड़ा इनकन्वीनियंट क्यों है, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पावर की यूनिट को, जो सॉरी पावर बोल रहा हूं, जो एनर्जी की यूनिट को आप जूल मत बोलो, सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस में। सिर्फ वैसे एनर्जी की यूनिट जूल ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कॉमर्शियल पर्पस की बात हो तो एनर्जी की यूनिट ना जूल मत कंसीडर करो, कुछ और बनाओ। तो उन्होंने बोला भाई किसे बनाए? तो उन्होंने बोला कि एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट को बनाते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को बनाते हैं KWH। क्या बनाते हैं मेरे भाई? KWH, किलोवाट आर। कब? जब कॉमर्शियल पर्पस की बात हो। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी? किलोवाट आर। तो जैसे आप लिखते थे ना 10 जूल 20 जूल एनर्जी को, ऐसे आप क्या लिखोगे? 10 KWH, 20 KWH, 50 KWH। तो जहां पर भी आपको ऐसे लिखा दिखे ना KWH, तो समझ जाना एनर्जी की बात हो रही है। क्या समझ जाना मेरे भाई? एनर्जी की बात हो रही है। अब आपके मन में अगर ये वाली बात है कि एनर्जी तो जूल में होती है, तो समझ जाना कॉमर्शियल एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे भाई? कॉमर्शियल एनर्जी की। जहां भी KWH लगा देखे, समझ जाओ कॉमर्शियल एनर्जी की बात हो रही है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट है, हमने मान ली आपकी बात, और हम इसको KWH या किलोवाट आर कहने तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपने वॉट को कन्वर्ट किया था किलोवाट में, आपने मेगावाट को कन्वर्ट किया था वॉट में, आपने हॉर्स पावर को भी कन्वर्ट किया वॉट में, तो क्यों ना इसको भी कन्वर्ट कर दो जूल में। अगर हमें इतना तो पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, तो हमें पता है कि अगर किसी की भी ज्यादा यूनिट है तो उन्हें कन्वर्ट तो किया जा सकता है ना। तो सेम बात आप लोगों की है कि अगर एनर्जी की यूनिट जूल भी है और एनर्जी की यूनिट KWH भी है, तो क्या आप KWH और जूल को कनेक्ट नहीं कर सकते? कि कभी मान लो KWH से जूल में बदलना हो या जूल से KWH में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? तो समझते हैं मेरे भाई कैसे बदलेंगे। देखो भाई, अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं। अभी भी हमने पढ़ा था पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन ही क्या होती है? एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी में सीख लिया कि जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वर्क की जगह आ गया एनर्जी। अब एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा? टाइम को इधर लाना पड़ेगा पावर के पास, तो पावर इनटू टाइम, ये आपका आ गया एनर्जी। ठीक है। अब आप लोगों ने यूनिट निकालना सीखा हुआ है कि अगर एनर्जी की यूनिट निकालनी है, एनर्जी की यूनिट निकालनी है, तो इन दोनों की यूनिट पता कर लो, आपको एनर्जी यूनिट पता चल जाएगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। जब कभी आप किसी भी क्वांटिटी को एसआई यूनिट में निकालना चाहो, जब भी आप किसी क्वांटिटी को किसमें निकालना चाहो मेरे भाई? एसआई यूनिट में, तो बाकी की बची हुई क्वांटिटी को एसआई यूनिट में ही लगाना। बाकी बची हुई क्वांटिटी को एसआई यूनिट में ही लगाना, इस बात का मतलब क्या? जैसे अब याद करो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो हम क्या बोलते हैं? स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट स्पीड की क्या है? मीटर पर सेकंड। तो जो एसआई यूनिट है स्पीड की मीटर पर सेकंड, वो कब अपनी एसआई यूनिट में आई?
जब आपने फॉर्मूले के अंदर जो डिस्टेंस और टाइम है उनको भी एसआई यूनिट में ही लिया, डिस्टेंस को एसआई यूनिट में लिया मीटर, टाइम को एसआई यूनिट में लिया सेकंड, तभी स्पीड अपनी एसआई यूनिट में आया मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे भाई, बस ये कहना चाहता था मैं। ऐसा नहीं है डिस्टेंस को ले लो किलोमीटर में, तो अब स्पीड की यूनिट क्या है किलोमीटर पर सेकंड, तो क्या स्पीड की एसआई यूनिट किलोमीटर पर सेकंड होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकालना चाहते हैं तो उस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी क्वांटिटी यूज हो रही है सब अपनी एसआई यूनिट में ही होनी चाहिए। क्लियर है? तो सेम कॉन्सेप्ट, आप लोगों की डिमांड है कि एनर्जी को जूल में निकालो। सर एनर्जी को किसमें निकालो? जूल में। तो मैं कहूंगा भाई पावर को भी रखना वॉट में, पावर को भी रखना वॉट में और टाइम को भी रखना सेकंड में। अगर आपने पावर रखी वॉट में और टाइम रखा सेकंड में तो पक्की बात है एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे भाई जूल में आएगी, क्योंकि ये दोनों ऐसे यूनिट में, तो ये अपने आप ऐसे यूनिट में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया अपन का कॉन्सेप्ट। अब फिलहाल कन्वर्ट करते हैं, किसको कन्वर्ट करना था? 1 kWh। इसे किसमें करना था मेरे भाई? जूल में करना था कि 1 kWh में कितना जूल आएगा। सर 1 kWh में कितना जूल आएगा? तो मैंने अभी भी बोला कि देखो भाई पावर और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो पावर होगी किलोवाट, टाइम हो गया आर, पावर हो गई किलोवाट, टाइम हो गया आर। तो मैंने क्या डिमांड रखी है? पावर को तो बदल दो वाट में, यानी किलोवाट को बदल दो वाट में, टाइम को बदल दो सेकंड में, यानी इस आर को बदल दो सेकंड में। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो जूल में मिलेगी, क्योंकि एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम समथिंग इक्वल्स टू एनर्जी। तो देखते हैं भाई किलोवाट को बदलो वाट में, तो 1 kWh में कितने होते हैं? 1000 वाट। ठीक है मेरे भाई, 1 वन आर, एच लिखा है यानी 1 आर, 1 आर में कितने सेकंड होंगे? 1 आर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 सेकंड, इतनी जो वैल्यू आएगी वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर दो इन सब का, तो देखो 1000 × 3600, ये जूल में आ रही है वैल्यू। किसमें आ रही है मेरे भाई? 1 kWh को जब किलोवाट को वाट में किया, आर को सेकंड में किया, तो अब ये किसमें बदल गया? जूल में बदल गया। तो अब इसे और सॉल्व करते हैं आगे, इसे कह सकते हैं 36 × 10⁵ जूल, या इसे एक और यूज करना है तो 3.6 × 10⁶ जूल। यानी कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि 1 kWh में, 1 kWh में 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 3.6 × 10⁶ जूल। किसमें? 1 kWh में। तो आपको फील आ गया कि हम जूल को क्यों नहीं यूज कर रहे थे? एक बार 10⁶ जूल एनर्जी, इतनी बड़ी वैल्यू है किसमें? मात्र 1 kWh में। अब आपके घर में जो यूनिट बनती है कम से कम 100 kWh, 500 kWh बनती है। अब 500 kWh इंटू समथिंग, यानी अगर 1 kWh में इतनी जूल, तो 500 kWh में कितनी होगी? 500 × 3.6 × 10⁶, 500 kWh। अब किसी ने मान लो सरकार कहती है हम 1 जूल का इतना रुपए लेंगे, तो इतनी एनर्जी का कितना रुपए देते? करो मल्टीप्लाई, बहुत इनकन्वीनियंट हो गया, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो गया। अगर आप, अगर सरकार जून में पेमेंट लेती आपसे, कॉमर्स सरकार है जो भी एनर्जी को सेल कर रहा है वो अगर आपसे जूल में लेता तो बड़ी दिक्कत आती। तो समझ गए मेरे भाई? इसलिए अपन ने ना जूल को कन्वर्ट कर लिया kWh में। तो याद रखना 1 kWh में कितनी जूल एनर्जी होती है? 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपका टॉपिक था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी के साथ हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर क्लास 9th का कंप्लीट हो गया। क्लियर है मेरे भाई? अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये मेरी पहली बार ये वाली वीडियो देखी तो मेरे भाई बाकी वीडियो जाके ना प्लेलिस्ट में देख लेना। मैंने क्लास 9th की अलग प्लेलिस्ट बना दिया वर्क एंड एनर्जी की, उसमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज है, तो जल्दी से उन्हें देख मारो। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी की सारी वीडियोज आपको वर्क एंड एनर्जी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और एक प्लेलिस्ट और है अभी वहां पर क्लास 10th की, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रखा है मेरे भाई, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो वर्क एंड एनर्जी में, या कोई भी अगर आपके मन में कोई डाउट आते हो जो आपको लगता हो कि यार
ये तो सिली डाउट है। भाई सिली डाउट कुछ नहीं होता, जो भी मन में आए ना सीधा कमेंट में जाके लिख देना, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या, क्यों, कैसे, कहां, जो भी लगाना हो मेरे भाई सब लगा मारो, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बता देना। तो अगर मुझे लगेगा सही तो मैं उस पर एक वीडियो ले आऊंगा आपके डाउट्स पर, ठीक है। तो आज पंखा कंप्लीट हो गया वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th का। ओके, थैंक यू सो मच।